ये बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। एक तरफ देश दुनिया में अपने फीचर्स की वजह से एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार चर्चा में है, इसका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स इससे भविष्य में नौकरियों के जाने की आशंका भी जता रहे हैं। ये मुद्दा लोकसभा में भी गूंजा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकार से इस मुद्दे पर सवाल पूछा। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 6.9 करोड़ लोगों की नौकरी इस सरकार के कार्यकाल में जा सकती है, देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। इसका जवाब दिया केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने। मांडविया ने कहा कि नौकरी जाने की बातें प्रेडिक्शन यानी अनुमान के आधार पर कही जाती हैं। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सदन में मुद्दा उठाया था और कल्याण बनर्जी ने कहा कि एआई की वजह से लगभग 7 करोड़ स्पेसिफिकली 6.9 करोड़ लोगों की नौकरी इस सरकार के कार्यकाल में जा सकती है, देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, जिससे निपटने के लिए सरकार कदम क्या उठा रही है। इसको लेकर मांडविया ने कहा कि नौकरी की बातें जो हैं वो प्रेडिक्शन के आधार पर अनुमान के आधार पर होती हैं, लेकिन ये अनुमान कैसे और किस आधार पर बन रहा है आपको ये समझाते हैं। मनसुख मांडविया ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध 19 लाख से अधिक रोजगार के अवसर का हवाला दिया और लोकसभा में कहा कि देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। मांडविया ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के पूरक प्रश्नों का यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है उसका भी उत्तर दिया। सवाल पूछा गया, उस पर जवाब दिया गया, फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा उन्होंने, उसका भी जवाब दिया मंत्री ने और कहा कि ये भी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और अब बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई है, भविष्य में इसके 3% से नीचे आने की उम्मीद है, यानी बेरोजगारी दर घटकर 3% से नीचे आएगी, इसको लेकर उम्मीद जाहिर की है, जानकारी दी है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने। किस पर जवाब दिया? दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने सवाल पूछा था, एक प्रेडिक्शन था कि जिस तरह से एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, एआई रिप्लेस करेगा मैन पावर को और इससे नौकरियों पर सीधा खतरा है, देश में लगभग 7 करोड़ नौकरियां घट सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, ये आशंका इस प्रेडिक्शन को लेकर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सवाल पूछा था। उसी पर जवाब दिया केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है, जब परचेज पावर बढ़ता है तो ये सब होता है, तो ऑटोमेटिक रोजगार का अवसर भी बढ़ता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी आप नेशनल सर्विस सेंटर पोर्टल पर जाइए, 19 लाख जॉब आज भी 30 लाख जॉब दाता ने कंपनियों ने रख के रखी है कि आइए यहाँ अप्लाई करिए। ये पोर्टल की बात कर रहा हूं, आप देख सकते हो, यहाँ से बाहर जाके तुरंत ही देखेंगे, आपके परिवार में भी किसी को जॉब चाहिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ क्वालिफिकेशन होगा तो उसको भी जॉब मिलेगा। ये देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं।